शहाब और आप देख रहे हैं सरकार न्यूज। सेल्स वेलफेयर इत्तेहाद दवाब शाह की जानिब से केकली केटीएस एम सक्कर गुलाम सरवर शेख पर सक्कर के करीब ठेड़ी के मकाम पर मुबैना कातलाना हमला करके गोली मारकर शदीद जख्मी करने के खिलाफ नेशनल प्रेस क्लब नवाब शाह में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। सेल्स वेलफेयर इत्तेहाद नवाब शाह के सदर जकाउद्दीन मुगल, सैयद मंसूर अहमद जाफरी, फहद कुरैशी, आमिर आराइन, सैयद रेहान अली जैदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि गुलाम सरवर शेख पर मुबैना कातिलाना हमला अकबर नामी शख्स ने किया है, पर एक हफ्ता गुजरने के बाद भी पुलिस उसको गिरफ्तार करने में नाकाम है। उन्होंने मजीद कहा कि अकबर मेमन को पुलिस की सरपरस्ती हासिल है। उन्होंने वजीर आला सिंध, आईजी सिंध और एसएसपी कैरपुर से मुतालबा किया है कि अकबर मेमन को गिरफ्तार करके गुलाम सरवर शेख के साथ इंसाफ किया जाए, बस सूरत दीगर पूरे सिंध में एहतजाजी तहरीक चलाई जाएगी। अब्दुल कद्दूस बेकरी वाला है, उनके पैसों के कोई मामला था, उस पर इल्ज़ाम लगाया चोरी का और उसको फौरन बाद मोहल्ले वालों से पहले तशद्दुद कराया। तशद्दुद कराने के बाद अकबर